हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर से लेक्चर्स नंबर देखेंगे, थोड़ा कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्टील टावर का क्या क्या डाइमेंशंस रहता है और क्या क्या स्पेसिफिकेशंस रहता है। स्टील टावर सारा हमारा 5 है, अभी बोर्ड पर 3 फिगर बना हुआ है, यह कम्प्लीट होगा तो उसके बाद फिर 2 फिगर और आएगा। तो हमारा स्टील टावर का क्या क्या क्लियरिफिकेशंस है, मतलब कि डायमेंशंस क्या क्या रहता है और कम्पटिटिव, यह जनरली आपको कम्पटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछेगा, ठीक है, और पूछा भी जा चुका है, जैसे कि UPPCL, UPCL और राजस्थान JEE और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में शायद एक आध बार पूछा, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। तो ये सब हमेशा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले JEE लेवल पे के पोस्ट पर बहुत ईजी वे में पूछता है, ठीक है। तो पहला है हमारा फर्स्ट 66 किलो वोल्ट, स्पैन कितना है 245 मीटर। तो पहले बच्चा हम लोग समझेंगे कि स्पैन क्या होगा। तो सपोज डैट स्पैन का मतलब समझ लीजिए कि स्पैन क्या होता है। तो यह हमारा एक टावर है, ठीक है, यह हमारा एक टावर जो है और एक और टावर यहाँ है, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में एक ही टावर नहीं रहता है, बहुत सारा टावर रहता है। तो एक टावर यहाँ, अब यहाँ से इंसुलेटर, यहाँ से इंसुलेटर, दूसरा, तीसरा। तो यह जो दो टावर के बीच का डिस्टेंस होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पैन लेंथ, स्पैन लेंथ, ठीक है। यह दो टावर के बीच का डिस्टेंस जो होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पैन लेंथ, या दो पोल के बीच की दूरी को ही क्या बोलते हैं, स्पैन लेंथ, ठीक है, स्पैन लेंथ। अच्छे से समझिएगा, दो टावर के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, स्पैन लेंथ। तो स्पैन लेंथ 66 किलो वोल्ट का कितना होगा, 245 मीटर के आसपास होगा, आसपास 240 के आसपास हमारा वह वेरी करता है, उतना मीटर। अब यह हमारा एक टावर है, यह हमारा थ्री फेज, देखिए थ्री फेज डबल सर्किट लाइन वाला टावर है, थ्री फेज डबल सर्किट लाइन। तो पहले समझेंगे कि थ्री फेज डबल सर्किट लाइन क्या होता है सर। तो देखो यहाँ पर एक, पहला तो हमारा ट्रांसमिशन है, तो थ्री फेज कितना वायर होगा बाबू, थ्री फेज, बंडलिंग नहीं कर रहे हैं तो थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम, थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम डेल्टा। अगर बंडलिंग नहीं कर रहे हैं तो बंडलिंग करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक वायर यहाँ से गया, एक वायर यहाँ से गया, एक वायर यहाँ से गया, मतलब कि यह अगर आर फेज है, यह वाई फेज है और यह बी फेज है। फिर एक वायर यहाँ गया, एक वायर यहाँ गया, एक वायर यहाँ गया, ये भी हमारा आर फेज है, वाई फेज है, बी फेज है, ठीक है। तो यह एक सर्किट यहाँ हुआ, एक फेज, एक एक अल्टरनेटर से आर वाई बी तीन फेज निकलेगा, दूसरे अल्टरनेटर से आर वाई बी तीन फेज निकलेगा, तो यह सेकेंड अल्टरनेटर हो जाएगा, यह फर्स्ट अल्टरनेटर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि दोनों थ्री फेज सिस्टम है, ये भी हमारा क्या है बच्चा, थ्री फेज सिस्टम, ये भी देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या है, थ्री फेज सिस्टम, ये भी हमारा क्या है, थ्री फेज सिस्टम। लेकिन डबल सर्किट लाइन कहने का मतलब कि एक थ्री फेज यहाँ भी है, एक थ्री फेज यहाँ भी है, इसलिए इसको बोलते हैं थ्री फेज डबल सर्किट लाइन, ठीक है। ऐसा भी देखने को भी मिलता है टावर में, सिंगल सर्किट लाइन भी होता है, डबल सर्किट लाइन भी होता है। डबल सर्किट लाइन देने से क्या है कि अगर एक लाइन में कोई किसी तरह का डिस्टर्बेंस हो गया तो दूसरे लाइन के द्वारा हम लोग कंज्यूमर को सप्लाई दे सकते हैं, फिर इस लाइन को मेंटेन करेंगे थोड़ी देर पावर कट कर, ठीक है, फिर से चालू कर देंगे। तो यह हुआ हमारा। अब यह 66 किलो वोल्ट स्पैन के लिए पहला है टावर का हाइट कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 20 मीटर। यह जो डाटा हम जो भी दे रहे हैं यह अप्रॉक्सीमेटली दिया जा रहा है, यह फिक्स नहीं है। तो टावर हाइट यह क्या होगा बच्चा, टावर हाइट, टावर हाइट मतलब कि टावर की ऊंचाई कितना हो गया, 20 मीटर के आसपास। अब देखो यह जो होता है यहां से यहां का डिस्टेंस, यहां से यहां का जो डिस्टेंस होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस आर्म, क्या बोला जाता है, क्रॉस आर्म, ठीक है। देखो ना ऐसे ऐसे हम खड़े हैं, ऐसे हाथ फैला दिए, यह वाला हमारा यहाँ पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, क्रॉस आर्म, ठीक है, क्रॉस आर्म हो गया। तो क्रॉस आर्म हमारा का, क्रॉस आर्म का लेंथ कितना होगा, 4 से 5 मीटर। यह हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस आर्म का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 से 5 मीटर, क्लियर है। अब
यह हो गया मतलब कि हाइट 20 मीटर, क्रॉस आर्म 4 से 5 मीटर। अब देखो कि ग्राउंड क्लियरेंस सबसे धरती के नज़दीक सबसे नज़दीक कंडक्टर कौन रहेगा उसी को हम लोग ग्राउंड क्लियरेंस बोलेंगे। यह हमारा अर्थ है यहाँ से पहला कंडक्टर मतलब कि यहाँ पर है तो यह हमारा क्या कहलाएगा 12 मीटर। ग्राउंड क्लियरेंस इस टावर का 66 किलो वोल्ट के लिए कितना है 12 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंडक्टर फिर यहाँ पर एक कंडक्टर, तो देखो एक कंडक्टर दो कंडक्टर कितना मीटर 3 मीटर, एक कंडक्टर इसके बाद 2.5 मीटर, और यह कंडक्टर और यह यहाँ पर अर्थ वायर देते हैं, यहाँ पर अर्थ वायर देते हैं, अर्थ वायर देते हैं लाइटनिंग से बचने के लिए, बिजली कड़कता है उससे बचने के लिए। तो कितना हो जाएगा 2.5 मीटर, 12 मीटर 15 मीटर दो दो पाँच कितना हो गया 20 मीटर हो गया। मतलब कि 66 किलो वोल्ट में ऑल डाटा हमारा यहाँ है, क्या क्या होगा टावर हाइट, क्रॉस आर्म, यह हमारा ग्राउंड क्लियरेंस हो जाएगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं ग्राउंड क्लियरेंस, ग्राउंड क्लियरेंस धरती के सबसे नज़दीक 12 मीटर के वायर पे। सेम कंडीशंस 110 किलो वोल्ट, 110 किलो वोल्ट का स्पैन लेंथ कितना होगा 320 मीटर, दो पायों के बीच की दूरी कितना हो जाएगी 320 मीटर। यह हमारा अब देखो यहाँ भी यह हमारा सिस्टम, ये भी हमारा सिस्टम क्या है थ्री फेज डबल सर्किट लाइन, थ्री फेज डबल सर्किट लाइन है बच्चा, एक फेज दो फेज तीन फेज, एक अल्टरनेटर, एक फेज दो फेज तीन फेज, ये भी हमारा अगर आर वाई बी है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा आर वाई बी। 22 से 25 मीटर क्या है टावर हाइट, यह जो 22 से 25 मीटर दिया हुआ है यह हमारा क्या होगा टावर हाइट, टावर हाइट 22 से 25 मीटर। ठीक है, यह हमारा क्या दिया हुआ है 5 से 8 मीटर क्रॉस आर्म, क्रॉस आर्म। ठीक है, यहां पर ग्राउंड क्लियरेंस 13 मीटर, कंडक्टर कंडक्टर 3.5, कंडक्टर कंडक्टर 3.5, कंडक्टर और टावर हेड यहाँ से हमारा अर्थ वायर जाता है, टावर टू टावर कनेक्ट रहता है 3 मीटर। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली तो यह इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं ग्राउंड क्लियरेंस, ग्राउंड क्लियरेंस। ठीक है, यह घटते बढ़ते रहता है क्योंकि यह डिपेंड करेगा टावर के सैग पे, ग्राउंड क्लियरेंस टावर के सैग पे डिपेंड करेगा। जब सैग चैप्टर में आएंगे तब हम लोग वहाँ डिस्कशंस करेंगे कि सैग क्या होता है और कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अब आ गया 132 किलो वोल्ट स्पैन 305 मीटर, मतलब कि दो टावर के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 350 मीटर। टावर का हाइट यह जो 26 से 30 मीटर दिया हुआ है, 26 से 30 मीटर वहाँ पर देखो, यह 26 से 30 मीटर टावर हाइट, टावर हाइट, ये भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चा थ्री फेज डबल सर्किट लाइन, डबल सर्किट लाइन। ठीक है, डबल सर्किट लाइन मतलब समझ रहे हो कि क्या होगा, एक दो तीन, एक दो तीन, एक थ्री फेज सिस्टम इधर हो जाएगा, एक थ्री फेज सिस्टम इधर। यहाँ पर 14 से 18 मीटर टावर के पास ग्राउंड क्लियरेंस, 4 मीटर कंडक्टर कंडक्टर, 4 मीटर कंडक्टर कंडक्टर, 4 मीटर कंडक्टर और अर्थ वायर, यहाँ से आपका अर्थ वायर गुजरता है, टावर के ऊपर से अर्थ वायर दिया जाता है। ठीक है, यह हो गया हमारा 132 किलो वोल्ट स्पैन लेंथ। सब का सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है कि क्या क्या है, अप्रॉक्सीमेटली डाटा रहता है, फिक्स डाटा नहीं रहता है सारा। यह भी हाइट, टावर का हाइट भी डिपेंड कर जाएगा इसके ग्राउंड के स्ट्रेंथ के अनुसार और स्पैन लेंथ के अनुसार उसका हाइट थोड़ा बहुत घटते बढ़ते रहता है, ऐसा नहीं कि फिक्स है, थोड़ा बहुत दो चार मीटर के आसपास चेंज होते रहता है। अभी दो टावर और है जिसको कि हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या कंडीशंस है। अब है हमारा यह 400 किलो वोल्ट, तो 400 किलो वोल्ट के लिए स्पैन लेंथ 40 से 500 मीटर, 220 किलो वोल्ट के लिए स्पैन लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 350-360 के आसपास ही होता है। ठीक है, तो यह हमारा हो गया। अब ये भी हमारा क्या है थ्री फेज, 400 किलो वोल्ट में थ्री फेज क्या है बाबू, डबल सर्किट लाइन है, डबल सर्किट
लाइन, थ्री फेज डबल सर्किट लाइन है 20 मीटर। यहाँ हमारा ग्राउंड क्लियरेंस हो गया 7.5 मीटर, सब मिलाकर 40 से 41 15 20 35 35 और 7 वही 41 मीटर या 42 मीटर के आसपास होता है अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस। यह हमारा टावर हाइट हो जाएगा, यह हमारा क्या हो जाएगा क्रॉस आर्म। यहाँ से अर्थ कंडक्टर दे दिया जाता है जो कि दूसरे टावर पे कनेक्ट रहता है, ठीक है। तो यह हुआ हमारा 400 किलो वोल्ट का टावर का कॉन्फ़िगरेशंस, क्लियर है। अब आता है 220 किलो वोल्ट टावर का कॉन्फ़िगरेशंस, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा 15 मीटर 5.2, तो मतलब पंतियाई 15 और द्वितीयाई 6, मतलब कि 15 और 6 21, 15 और 15 30 31 32, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली टावर का हाइट 30 से 35 मीटर के आसपास हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। यह वाला हो गया। स्पैन लेंथ कितना होगा 350 मीटर और यह हमारा क्या हो जाएगा क्रॉस आर्म डिस्टेंस, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे क्रॉस आर्म डिस्टेंस। ये भी डबल सर्किट लाइन है, देखिए सब हमारा डबल सर्किट लाइन का टावर कॉन्फ़िगरेशंस है। ये भी डबल सर्किट लाइन, एक इधर भी आ गया आर वाई भी, ठीक है। तो यह जनरली, और इसको आप बहुत अच्छे से नोट्स में बनाइएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिटिव लेवल पर देता है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या होता है और इंसुलेटर का सिस्टम में क्या यूज है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इंसुलेटर बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंसुलेटर, जिसका कि हम लोग डिटेल देखेंगे और कैसे कैसे यह वर्क करता है, क्या क्या इसका काम है, सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ से आपको एक न्यूमेरिकल भी देता है, ठीक है। तो जस्ट अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इंसुलेटर। हेलो स्टूडेंट, हमारा इंसुलेटर में थे, तो इंसुलेटर का यूज हम लोग क्यों करते हैं, पहले सुनो इंसुलेटर क्या होता है, ठीक है। इंसुलेटर रहे, इंसुलेशंस रहे, जैसे कि वायर पे हम लोग इंसुलेशंस करते हैं और इलेक्ट्रिक हड्डा, मेरा रूम में हड्डा का खोता लगा लिया है, अभी हड्डा भागेगा कैसे जी, डर लगता है काट लेगा, ठीक है। तो सुनो, हमारा जो टॉपिक है इंसुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट VVI टॉपिक इन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम नेटवर्क, ठीक है। और बहुत अच्छे से समझ में आएगा, एकदम इजी वे में हम लोग इसको एक अंडरस्टैंडिंग करेंगे, ठीक है। तो इंसुलेटर रहे या इंसुलेशन रहे, हम लोग जानते हैं कि इंसुलेटर क्या होता है। इंसुलेटर कंडक्टर सेमी कंडक्टर के बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। इंसुलेटर मतलब वैसा मटेरियल जिससे हमारा विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो या ऊष्मा का ट्रांसफ़र नहीं हो, हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो। लेकिन चूंकि हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमारा मेनली काम होता है इंसुलेटर का करंट के फ्लो को रोकना, मतलब कि उस इंसुलेटर से करंट का फ्लो नहीं करे, ठीक है। तो इंसुलेशंस का रेजिस्टेंस होगा वह बहुत हाई होगा, जैसे कि हम लोग भी बराबर IR का नाम सुने थे, ठीक है। IR, तो इंसुलेटर में क्या होता है बाबू, इंसुलेटर का में करंट का वैल्यू क्या होता है, जीरो, या यह करंट का वैल्यू लीकेज करंट भी बोल सकते हैं, लीकेज करंट, लेकिन इस लीकेज करंट का वैल्यू क्या होता है, बहुत कम। तो यहाँ से R बराबर भी बटा में आई, यह वैल्यू बहुत कम टेंड्स टू जीरो, तो R वैल्यू वेरी हाई टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। R वैल्यू वेरी हाई टेंड्स टू इनफाइनाइट, मतलब कि जो भी हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल होगा उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, बहुत हाई। जैसे ही रेजिस्टेंस का वैल्यू हाई होगा उससे होकर करंट फ्लो नहीं करेगा। यह तो एक बेसिक इंसुलेटर और इंसुलेशंस का हो गया। हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट में इंसुलेटर का यूज बहुत जगह करते हैं, जैसे कि पोल पर देखते होगे ब्लैक कलर का, टावर पे देखते होगे चक्री, गोल गोल चक्री, ठीक है। इंसुलेशंस का यूज हम लोग वायर में इंसुलेशंस देते हैं, ठीक है, जैसे लाइव कंडक्टर भी है तो वायर को अगर टच कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इंसुलेटेड वायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशंस लाइन में, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस लाइन में इंसुलेटर का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है,
क्या इम्पोर्टेंस है, कहाँ लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, कौन इंसुलेटर कहाँ देंगे, इंसुलेटर किस चीज़ का बना होता है, इंसुलेटर का प्रॉपर्टीज क्या होता है, इंसुलेटर पे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, सारे चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो एक बेसिक डिफिनेशंस हो जाएगा इंसुलेटर का। इंसुलेटर्स मीन्स टेक्निकल डिफिनेशंस क्या होगा, वैसा मटेरियल जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू काफ़ी हाई हो, इट टेंड्स टू इनफाइनाइट। जैसे ही रेजिस्टेंस वैल्यू हाई होगा, करंट का वैल्यू एज शुड लो एज पॉसिबल इट टेंड्स टू जीरो। ठीक है, मतलब कि वैसा मटेरियल जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाह नहीं करे, या वैसा मटेरियल जिससे जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो, उस मटेरियल को हम लोग इंसुलेटर के श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, जैसे कि इंसुलेटर में आपका मटेरियल आ जाएगा रबर, पोर्सिलिन, कागज, लकड़ी, ये सब हमारा क्या होता है, एक इंसुलेटर मटेरियल है। ठीक है, अब आता है कि ट्रांसमिशन लाइन में इंसुलेटर का क्या काम है और व्हाई वी यूज द इंसुलेटर इन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम नेटवर्क सच एज टावर, सच एज पोल, सच एज स्मॉल टावर, या सर्विस मैन हो, या आपका डिस्ट्रीब्यूटर हो, या 11 के वी फीडर हो, या 33 के वी फीडर हो, या हमारा ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो देखते हैं इंसुलेटर का बेसिक काम क्या है। तो देखिए, सपोज डेट यह हम एक पोल लिए हैं, यहाँ देखिए ध्यान से, यह एक हम पोल लिए हैं, तो पोल आपका कितने तरह का था बच्चा, पोल आपका लकड़ी का था, लकड़ी का था, पोल आपका लोहा का था, पोल आपका सीमेंट, कंक्रीट सीमेंट का बना हुआ था। ठीक है, अब कहोगे कि सर लकड़ी तो हमारा एक इंसुलेटर के रूप में काम करता है, लकड़ी तो हमारा इंसुलेटर है, हाँ सर इंसुलेटर है, सीमेंट भी एक तरह का हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में उपयोग होता है, और लोहा हमारा कंडक्टर है। ठीक है, तो इंसुलेटर हम, और चले आओ स्टील टावर, स्टील टावर, तो स्टील टावर को लोहा बोलो, रेल पोल बोलो, या स्टील टावर बोलो, ये भी एक तरह से किसके रूप में काम करता है, कंडक्टर के रूप में। ठीक है, तो इतना सारा मटेरियल से हम लोग इलेक्ट्रिकल वायर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, और सारे मटेरियल पे हम लोग इंसुलेटर लगाते हैं, तब जाकर लाइव कंडक्टर देते हैं। तो यह हो गया, अब देखते हैं कि इंसुलेटर का काम क्या है। सपोज डैट, इसको मिटाते हैं, सपोज डैट कि हमारा यह पोल है, तो यह क्या हो जाएगा छोटू, क्रॉस आर्म भी तुम्हारा कोई भी स्टील का बना हो सकता है, कोई भी रॉड का दिया रह सकता है। ठीक है, क्रॉस आर्म लकड़ी वगैरह का नहीं रहता है, स्टील या रॉड का ही दिया रहता है, जनरली देखोगे पोल पर तुम्हारा, या टावर में देखोगे। ठीक है, तो अब यहाँ से एक कंडक्टर आर, एक कंडक्टर वाई, एक कंडक्टर बी। ठीक है, सपोज डैट यह पोल हम लोग लेते हैं स्टील पोल, स्टील रेल पोल। अब अगर यह लाइव वायर है, यह लाइव है, लाइव को शुद्ध देहाती भाषा में गर्म वायर बोलते हैं, गर्म वायर, और न्यूट्रल को हम लोग क्या बोलते हैं, ठंडा वायर। ठीक है, अब लाइव वायर है, तो लाइव वायर को यह इंसुलेटर, यह वाला जो सेक्शंस है, यह वाला जो इस तरह का चक्री देख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। ठीक है, लाइव वायर को जोड़ा गया है, यह लाइव कंडक्टर है, ग्रूविंग कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, जोड़ा गया है, यह हमारा क्रॉस आर्म, तो इसके बीच में क्या लगा हुआ है, इंसुलेटर। ठीक है, तो यह इंसुलेटर से होकर ऐसे करंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा ना। ठीक है, जब इंसुलेटर दे दिए तो ऐसे हमारा करंट का वैल्यू जीरो होगा, तो लाइन हमारा ग्राउंड नहीं होगा, लाइन हमारा ग्राउंड नहीं होगा, कब, जब हम लोग इंसुलेटर दिए हैं तब। अब कोई बच्चा आया बोला कि सर हम इंसुलेटर नहीं देंगे, हम सीधा इसके क्रॉस आर्म पे यहाँ पर वायर को जोड़ दिए। ठीक है, यहाँ पर वायर को जोड़ दिए तीनों, ये बना हुआ है क्रॉस आर्म कोची का, स्टील का, लोहा का, तो यहाँ से लाइन, आई पोल भी हमारा लोहा का बना हुआ है, यहाँ से लाइन, तीनों लाइन तो एक तरह से शॉर्ट हो जाएगा, और लाइन हमारा क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा, LG। अगले सेमेस्टर में पढ़ोगे टाइप्स ऑफ फॉल्ट, तो लाइन क्या हो गया, ग्राउंड हो गया, तो यह एक तरह का फॉल्ट आ गया। ठीक है, या जब तीनों फेज सट गया तो यह कैसा केस आ गया, शॉर्ट सर्किट का केस आ गया, कब, जब हम इंसुलेटर नहीं दिए हैं तब। ठीक है, अब तुम कहोगे कि सर ही हम स्टील पोल नहीं देंगे, रेल पोल नहीं देंगे, ये हम कंक्रीट का पोल दे दें, कंक
कंक्रीट का पोल देते हैं। चलो ठीक है, कंक्रीट में जब रेनी सीजन में बारिश होता है तो पूरा का पूरा कंक्रीट भींग जाता है, जिसके कारण यह पाथ हो सके कंडक्टिव हो जाएगा। अगर इंसुलेटर नहीं देते हो और रेनी बारिश नहीं होता है तब तो तुम्हारा काम चल जाएगा, लेकिन जैसे ही बारिश आता है या इन्वायरमेंट में नमी की मात्रा बढ़ जाती है तब उस समय कंक्रीट से तुम्हारा करंट फ्लो करने रहता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर्स। कभी कभी देखते हो कि पेड़ के नज़दीक हरा पेड़ है और उससे वायर टच कर रहा है तो पेड़ में सप्लाई आ जाता है, वह उसके जो वाटर सोल्यूबल जाता है या ग्रीनिश के कारण, ग्रीनिश ट्रीज के कारण वह सॉल्व फ्लो होने लगता है। लेकिन अगर एकदम सूखा पेड़ है उससे फ्लो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर वही सूखा पेड़ में जब बारिश हो जाए तो उस सूखा पेड़ में भी हमारा करंट आने लगेगा, ठीक है। तो लीके लाइन को ध्यान से देखिए, लाइन को ग्राउंड होने से बचाने के लिए हम लोग क्या देते हैं, इंसुलेटर देते हैं। फिर से सुनिए, लाइन को ग्राउंड होने से बचाने के लिए हम लोग क्या देते हैं, इंसुलेटर देते हैं। इंसुलेटर कहाँ लगा रहेगा, लाइव कंडक्टर और टावर का जो क्रॉस आर्म है, क्रॉस आर्म और लाइव कंडक्टर के बीच में हमारा क्या दिया रहेगा, इंसुलेटर। कौन इंसुलेटर है, क्या क्यों दिया, कैसे लगा है, यह हम आगे देखेंगे। अभी हम केवल जान रहे हैं कि इंसुलेटर क्या है, मतलब कि लाइव कंडक्टर को ग्राउंड होने से बचाने के लिए हम लोग लाइव कंडक्टर और टावर का जो क्रॉस आर्म है या पोल का जो क्रॉस आर्म है उसके बीच में इंसुलेटर देते हैं। वह इंसुलेटर लाइन को ग्राउंड होने से बचाता है, क्लियर है। वह इंसुलेटर लाइन को ग्राउंड होने से बचाता है जिससे हमारा सप्लाई बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। मतलब कि इंसुलेटर का काम क्या है, इंसुलेटर का काम है पावर ट्रांसफ़र जो हो रहा है वायर के द्वारा, वह वायर किसी सर्टेन प्लेस पे ग्राउंड नहीं हो जाए, किसी सर्टेन प्लेस पे ग्राउंड नहीं हो जाए। अगर लाइन ग्राउंड हो गया तो फॉल्ट आ जाएगा, उससे बचने के लिए हम लोग हर एक फेज में विथ न्यूट्रल भी इंसुलेटर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इंसुलेटर का रेटिंग लाइन के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा। 132 किलो वोल्ट में अलग तरह का इंसुलेटर ही रहता है, सेम मटेरियल, पोर्सिलिन मटेरियल का ही रहेगा, लेकिन उसमें जो डिस्क लगा रहता है आगे आएंगे वह अलग काउंट में लगा रहता है, अलग नंबर में लगा रहता है। जैसे जैसे रेटिंग बढ़ता है घटता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इंसुलेटर को चेंज करते हैं, जो कि हम लोग सारे में देखेंगे कि कौन इंसुलेटर कहाँ लगाते हैं, कितना डिस्क लगाया जाता है। तो बच्चा एक बात समझिए, इंसुलेटर का काम क्या है, इंसुलेटर का काम है लाइव कंडक्टर को जिससे हमारा सप्लाई जा रहा है उस कंडक्टर को ग्राउंड होने से बचाना, ठीक है, ग्राउंड होने से बचाना। तो किसके थ्रू ग्राउंड होगा, यह क्रॉस आर्म से होते हुए पोल के थ्रू होते हुए ग्राउंड हो जाएगा, क्लियर है, क्लियर है। यह ग्राउंड हो जाएगा उसी कंडीशन से बचने के लिए, उसी फॉल्ट से बचने के लिए हम लोग हर एक फेज एंड न्यूट्रल में भी हम लोग न्यूट्रल प्रोवाइड करते हैं, इंसुलेटर प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हमारा लाइन में फॉल्ट आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, घट जाए। कहीं भी तुम देखे होगे, पोल पर देखो, डिस्ट्रीब्यूशंस में देखो, ट्रांसमिशंस में देखो, फीडर में देखो, बिना इंसुलेटर का कोई भी वायर तुम्हारा पोल पर नहीं होगा। पोल पे जैसे ही वायर आया तो उसको इंसुलेटर लगाकर उसको बांधते हैं, फिर आगे ट्रांसफ़र आगे भेजा जाता है, ठीक है। मतलब कि फ्लो, चूँकि अब ये भी कह सकते हो कि यह इंसुलेटर का रेजिस्टेंस क्या हो गया, हाई हो गया, तो यह रेजिस्टेंस हाई होने के कारण इधर से करंट का वैल्यू जीरो, ठीक है, इधर से करंट का वैल्यू जीरो, और जब इस रास्ते से करंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो लाइन हमारा ग्राउंड नहीं होगा। मतलब कि इंसुलेटर लाइव कंडक्टर से जो करंट फ्लो कर रहा है उससे उस करंट को ग्राउंड होने से बचाता है। डैट मीन्स लीकेज करंट जो फ्लो करना चाहिए, वह जो करंट फ्लो करना चाहिए वह करंट के वैल्यू को जीरो या एकदम लोवेस्ट वैल्यू में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इंसुलेटर का काम यही है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में, लाइन को ग्राउंड होने से बचाता है। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू डिफिनेशंस क्या क्या होता है। टू अवॉइड द फ्लो ऑफ करंट टू द अर्थ फ्रॉम द लाइव कंडक्टर थ्रू द सपोर्ट, देखो ध्यान से, टू एवॉइड द फ्लो ऑफ करंट टू द अर्थ, इधर से आया ऐसे आप कहेगा अर्थ पे कैसे, बच्चा ये टावर कहाँ है, अर्थ पे है, अर्थ फ्रॉम द लाइव कंडक्टर थ्रू द सपोर्ट, यह लाइव कंडक्टर है और किससे होते हुए, सपोर्ट क्रॉस आर्म से होते हुए सपोर्ट के द्वारा ग्राउंड होने से, थ्रू द सपोर्ट देयर मस्ट बी अ सेफ क्लियरेंस बिटवीन लाइव कंडक्टर एंड सपोर्ट। मतलब कि यह जो लाइव कंडक्टर है और यह क्रॉस आर्म है इसके बीच में एक सेफ क्लियरेंस होना, हड्डा कहाँ,
हे भगवान, चलो भागे। ठीक है, लाइव कंडक्टर और क्रॉस आर्म के बीच में एक सर्टेन क्लियरेंस दिया जाता है, उस क्लियरेंस के बीच में हमारा क्या रहता है, इंसुलेटर रहता है, कंडक्टर एंड सपोर्ट, सेफ क्लियरेंस बिटवीन द लाइव कंडक्टर एंड सपोर्ट। सेफ क्लियरेंस, सेफ क्लियरेंस मतलब एक सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन द लाइव कंडक्टर एंड द सपोर्ट, या बिटवीन द लाइव कंडक्टर एंड द क्रॉस आर्म, क्योंकि क्रॉस आर्म कहाँ जुड़ा रहेगा, सपोर्ट के द्वारा ही वह खड़ा रहता। दस द लाइव कंडक्टर मस्ट बी परफेक्टली इंसुलेटेड फ्रॉम द सपोर्ट, हेंस द इंसुलेटर आर यूज्ड बिटवीन लाइव कंडक्टर एंड सपोर्ट। इसके कार्य इंसुलेटर के कारण यह लाइव कंडक्टर और सपोर्ट क्रॉस आर परफेक्टली इंसुलेटेड होता है, किसी भी तरह का डायरेक्ट कंडक्टर के टच में नहीं होता है। इसके लिए हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, इंसुलेटर देते हैं इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम नेटवर्क में। ठीक है, द मेन फंक्शंस ऑफ द इंसुलेटर इज टू प्रोवाइड परफेक्ट इंसुलेशंस बिटवीन लाइव कंडक्टर एंड द सपोर्ट एंड टू प्रिवेंट एनी लीकेज करेंट फ्रॉम द लाइव कंडक्टर टू अर्थ थ्रू द सपोर्ट। मतलब कि यह इंसुलेटर यह लाइव कंडक्टर और सपोर्ट के बीच में एक परफेक्ट इंसुलेशंस के रूप में काम करता है, जिससे इधर से किसी भी तरह के लीकेज करेंट को वैल्यू को जीरो कर देता है, या लीकेज करंट के वैल्यू को एज शुड लो एज पॉसिबल कर देता है, जिससे कि हमारा लाइन ग्राउंड नहीं हो और एक सर्टेन हाइट पे दिया जाता है, एक सेफ क्लियरेंस दिया जाता है, जिससे कि हमारा इंसुलेटर बहुत अच्छे से प्रॉपरली काम करते रहे और यह टावर में या पोल में हमारा करंट फ्लो नहीं करे। क्योंकि अगर पोल में करंट फ्लो करने लगा, सपोज डेट पोल में जैसे ही करंट फ्लो करने लगा, देखो ना जैसे कि 3 वायर है, यह 3 वायर में से एक वायर टूट कर ग्राउंड पे कर दो तो यह लो रेजिस्टेंस पाथ हो जाएगा ना, सारा करंट इधर से ही जाने लगेगा, इधर करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर यहाँ से यह वायर ग्राउंड हो गया तो इधर करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। अब कहेगा सर जीरो कैसे होगा, देखो ध्यान करो, जब नेटवर्क का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होगा तो शॉर्टेड पाथ से करंट का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम। और अगर पाथ शॉर्ट कर गया रेजिस्टेंस का, पाथ शॉर्ट मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से, यहाँ शॉर्ट मतलब क्या हुआ, शॉर्ट मतलब R का वैल्यू क्या हो गया, जीरो, लोवेस्ट रेजिस्टेंस पाथ। V बराबर I R, तो R बराबर क्या हो गया, V बटा में I, या I बराबर V बटा में R। शॉर्ट पाथ में R बराबर जीरो, तो I बराबर क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट। इन्फाइनाइट डेट मीन्स की वेरी हाई। अगर हमारा यह लाइव कंडक्टर, देखो इधर से सप्लाई जा रहा है, इधर से सप्लाई जा रहा है, सपोज डेट 10 एम्पियर जा रहा है, हम यहाँ से नीचे हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ पर एक हम वायर भेज दिए और वायर को यहाँ ग्राउंड पर जोड़ दिए, ठीक है, तो यह वायर का रेजिस्टेंस इधर का रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा, इधर का रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा लो हो गया, तो यह 10 एम्पियर का करंट, सारा का सारा करंट ग्राउंड में चला जाएगा, इधर करंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। मतलब कि यही कंडीशंस ना यहाँ भी एग्जिस्ट करेगा, अगर यह इंसुलेटर नहीं देते तो इधर से आते हुए ग्राउंड हो गया और इधर करंट का वैल्यू जीरो, आगे लोड के पास करंट पहुँचेगा नहीं। मतलब कि इसी कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, लाइन हमारा क्या हो गया, ग्राउंड हो जाएगा। और इसी कंडीशन से बचने के लिए हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, इंसुलेटर। इंसुलेटर कहाँ रहता है, बिटवीन द लाइव कंडक्टर और क्रॉस आर्म, या कह सकते हो लाइव कंडक्टर और टावर, या कह सकते हो लाइव कंडक्टर और पोल, या कह सकते हो लाइव कंडक्टर और रेल पोल, या कह सकते हो लाइव कंडक्टर और स्टील पोल, कंक्रीट पोल के बीच में रहता है, एक सर्टेन क्लियरेंस रहता है उसके बीच में। क्लियर है, एकदम फंडा क्लियर होना चाहिए इंसुलेटर का। ठीक है, कंडक्टर टू अर्थ थ्रू द सपोर्ट, क्लियर है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कोई भी इंसुलेटिंग, अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट में इंसुलेशंस का मतलब कोई पूछे कि इंसुलेशंस क्या होगा या इंसुलेटर क्या होगा, तो उसको ये नहीं बोलेंगे कि इंसुलेटर एक मटेरियल है जिससे अगर करंट फ्लो नहीं करे, एक सिंपल लैंग्वेज में बोल देंगे कि वैसा मटेरियल जिसका कि रेजिस्टेंस वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो, तो बंदा अपने आप समझ जाएगा अरे अब हम इससे पंगा नहीं लेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस वैल्यू जैसे ही ज़्यादा होगा ना, करंट का वैल्यू वैसे ही कम होगा। हमको ये बोलना ही नहीं है कि वैसा मटेरियल जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाही नहीं बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, ठीक है, सीधा बोलेंगे कि वैसा मटेरियल जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू आर इंसुलेशंस का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो, जिससे उससे होकर करंट फ्लो नहीं करेंगे। अब कोई पूछे कि इंसुलेटर काहे देते हैं लाइव कंडक्टर और सपोर्ट के बीच में,
तो हमारा लाइव कंडक्टर ग्राउंड नहीं हो जाए, किसके थ्रू होते हुए, किसके द्वारा होते हुए ग्राउंड हो जाएगा, यह लाइव कंडक्टर इस टावर के क्रॉस आर्म से होते हुए ग्राउंड नहीं हो जाए, इससे बचने के लिए लाइव कंडक्टर और क्रॉस आर्म या लाइव कंडक्टर और टावर के बीच में इंसुलेटर देते हैं। वह इंसुलेटर एक सर्टेन क्लियरेंस में रहेगा, एक सर्टेन डिस्टेंस में रहेगा। वह डिस्टेंस हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे काउंट करते हैं, मतलब कि कितना किलो वोल्ट पे कितना इंसुलेटर देते हैं आगे देखेंगे। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या देते हैं, इंसुलेटर, मतलब कि लाइन हमारा ग्राउंड नहीं हो, इससे बचने के लिए हम लोग इंसुलेटर देते हैं इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम नेटवर्क में। वह इंसुलेटर दिया जाता है आपको टावर पे, वह इंसुलेटर दिया जाता है आपको पोल पे, वह इंसुलेटर दिया जाएगा आपको वुडन पोल पे, वह इंसुलेटर आपको दिया जाएगा रेल पोल पे, वह इंसुलेटर दिया जाएगा कंक्रीट पोल पे, या जितना भी तरह का पोल हो ये सभी पे हम लोग वह इंसुलेटर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटर, इंसुलेटर का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर, इंसुलेटर का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। यह आपके सेमेस्टर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, VVI। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टी होता है इंसुलेटर का। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ इन ऑर्डर टू विथस्टैंड द कंडक्टर लोड विंड लोड etc। इंसुलेटर का मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए जिससे कि वह कंडक्टर के लोड को और जो हवा के हवा का लोड है या आइस लोड है उसको आसानी से विथस्टैंड कर सके। ऐसा नहीं कि कंडक्टर जब उस पर बांधे तो उसमें क्रैक वगैरह आ जाए, नहीं, वह कंडक्टर लोड विंड लोड ये सब को अच्छे से विथस्टैंड कर सके, कैरी कर सके। हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर मटेरियल इन ऑर्डर टू अवॉइड लीकेज करंट टू अर्थ, मतलब कि आर इंसुलेशंस इज वेरी हाई, टेंड्स टू इनफाइनाइट, वेरी हाई इनफाइनाइट, चूंकि आइडियल केस है, आइडियल केस एक्सेप्ट नहीं होता है, लेकिन रेजिस्टेंस का वैल्यू वेरी हाई होना चाहिए। नेक्स्ट है द इंसुलेटर मस्ट बी फ्री फ्रॉम इंटरनल इम्प्योरिटीज सच एज होल्स क्रैक्स etc। जो भी इंसुलेटर हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में यूज करेंगे वह इंसुलेटर में क्रैक नहीं होना चाहिए, कहीं से क्रैक मतलब समझ रहे हो ना, क्रैक नहीं होना चाहिए, होल्स नहीं होना चाहिए। होल्स रहेगा तो उसमें पानी का डस्ट, पानी का ड्रॉपलेट जमा हो जाएगा जिससे कि उसका इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी डैमेज होने लगेगा। ठीक है, और हमारा लाइन क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए होल्स और क्रैक्स नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द इंसुलेटर मस्ट बी वेरी हाई, मतलब कि अगर 11 kV में हम लोग इंसुलेटर जो यूज कर रहे हैं तो वह इंसुलेटिंग मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 11 kV से ज़्यादा होना चाहिए जिससे कि वह 11 kV वाले वोल्टेज को बहुत आसानी से कैरी कर सके। ठीक है, ही ना कि 11 kV पे उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टूट गया। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जैसे ही टूटेगा ना तो वह मटेरियल इंसुलेशन के रूप में नहीं काम करेगा, कंडक्टर के रूप में काम करने लगेगा। मतलब कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल शुड मस्ट बी वेरी हाई, द इंसुलेटिंग मटेरियल शुड बी नॉन पोरस, नॉन पोरस होना चाहिए, पोरस और नॉन पोरस, तो हमारा नॉन पोरस होना चाहिए, ये आपको ऑब्जेक्टिव में देता है नॉन पोरस। ठीक है, केमिस्ट्री का टर्म है। द इंसुलेटर शुड नॉट बी अफेक्टेड बाई द चेंजेज इन टेम्परेचर, ऐसा नहीं है, चूँकि हमारा जो कंट्री है उसमें टेम्परेचर चेंजिंग काफ़ी होता है और उस चेंजिंग पे इंसुलेटिंग मटेरियल का प्रॉपर्टी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर चेंज होगा तो फिर हमारा लाइन ग्राउंड हो जाएगा या देर इज फॉल्ट एग्जिस्ट इन द ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन या जो भी हमारा फीडर है। नेक्स्ट है कॉमनली यूज्ड इंसुलेटिंग मटेरियल आर पोर्सिलिन, सबसे ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं पोर्सिलिन, ग्लास, सिंथेटिक रेजिंग। पोर्सिलिन ग्लास भी एक तरह का इंसुलेटिंग मटेरियल है या सिंथेटिक रेजिंग, सिंथेटिक रेजिंग एक तरह का प्लास्टिक में ही काउंट होता है, ये सब का यूज करते हैं, लेकिन इन सबों में हम लोग पोर्सिलिन सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। अगले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इंसुलेटर, ठीक है, जिसमें कि देखेंगे कि कितना तरह का है, कौन का कहाँ लगता है और सबका अपना अपना क्या क्या कंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स के लिए।
इसलिए मिलती है जिससे कि जिसके लिए मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करूँगा और आपके लिए जो है वीडियोज़ बनाता रहूँगा। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारे इंसुलेटर यूज़ होते हैं वो क्यों यूज़ होते हैं। आपके भी मन में काफ़ी सवाल आते होंगे कि ये बात सही है कि हमारे इंसुलेटर क्यों यूज़ होते हैं। ये जो हमारी लाइन जा रही है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ओवरहेड लाइन बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जो हमारी कंडक्टर जा रही है वो हमारे सर के ऊपर से जा रही है और जो ये हमारी लाइन जा रही है ये हमारे ग्राउंड लेवल से एक सफिशियंट डिस्टेंस पे रहता है ताकि जो है इससे कोई टच ना हो जाए। इस कंडक्टर को ग्राउंड से सफिशियंट डिस्टेंस बनाने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है पोल का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको 8 मीटर, 9 मीटर PSC पोल, रेल पोल, ये सब सारे पोल्स जो है आपको बहुत ज़्यादा जो है देखने को मिलेगा। अब जो है हम लोग इस कंडक्टर को ले जाने के लिए इस पोल पे हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है चैनल्स को फिट करते हैं। जैसे कि हमारा वी क्रॉस आर्म, हॉरिजॉन्टल चैनल, वर्टिकल चैनल, इन सभी चैनलों का हम लोग जो है यूज़ करते हैं। कंडक्टर को ले जाने के लिए हम लोग जो है सिर्फ इस चैनल का हेल्प से नहीं ले जा सकते हैं। लोग चाह रहे हैं कि हम लोग जो इस चैनल के हेल्प से ही कंडक्टर को स्ट्रिंग करें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस कंडक्टर को इस चैनल पे क्या करना पड़ेगा, दोनों को वेंडिंग करना पड़ेगा। बट इससे होगा क्या, जैसे ही आप जो है इस चैनल पे कंडक्टर को वेंडिंग करके स्ट्रिंग करोगे, जब इसकी आप करंट इसकी फ्लो होगी तो क्या होगी, जो हमारी जो करंट जो फ्लो होगी वो चैनल्स के थ्रू होते हुए आपके पोल्स पे भी आ जाएंगे। तो ये इससे क्या होगा, जब बरसात के मौसम वगैरह होंगे तब जो है इसके पोल पे भी जो है हमारी करंट फ्लो होने लगेगा। इससे क्या होगा, जब भी कोई इंसान या कोई जानवर अगर पोल को टच करेगा तो उसको क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक शॉक जो है लग सकता है। इसके साथ साथ क्या होगा, आपकी जो करंट जो होगी वो भी क्या होगी, आपके पोल्स के थ्रू जो आपकी वेस्ट होगी, तो उतने जो करंट होंगे वो आपकी क्या हो जाएगी, लॉस में आ जाएगी। तो जो है हम लोग इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है हम लोग जो है इंसुलेटर का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको पता भी होगा, पिन इंसुलेटर, डिस्क इंसुलेटर, ये सब सारे जो है इंसुलेटर जो है यूज़ किए जाते हैं। और जो है इंसुलेटर जो हम लोग क्या करते हैं, चैनल्स पे जो हम लोग फिट कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इस कंडक्टर को है इसके जो इंसुलेटर के टॉप से होते हुए वाइंडिंग के थ्रू जो हम लोग क्या करते हैं, ले जाते हैं। तो इससे क्या होगा, जो हमारी करंट होगी ना वो हमारी जो बीच में जो हम लोगों ने इंसुलेटर लगाया ना, इसके वजह से क्या होगा, हमारी जो करंट जो होगा वो चैनल्स पे नहीं आएंगे और उससे हमारे पोल्स पे नहीं आएंगे। तो इससे हमारे जो है लॉसेस भी बचेंगे और जो है सेफ्टी भी रहेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि इंसुलेटर क्यों ज़रूरी है। अगर हम इंसुलेटर नहीं लगाते तो हमारा क्या होगा, पोल्स पे भी सपोर्ट पे जो आपकी क्या आ जाएगी, करंट फ्लो होगी और हमारी जो है करंट जो है लॉस में जाएगी, वेस्ट में जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ कि किन कारण से जो हमारे इंसुलेटर जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो दिल से लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ जो है शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।